रिजर्व पुलिस लाइन स्थित सभागार कक्ष में शुक्रवार को बांसगांव सर्किल क्षेत्र के शेरनी दस्ते का 3 दिवसीय प्रशिक्षण का शुभारंभ हुआ। शेरनी दस्ते के प्रशिक्षण के पहले दिन एंटी रोमियो, महिलाओं और बालिकाओं से संबंधित हो रहे अपराध और ट्रैफिक नियमों के बारे में विभिन्न प्रशिक्षकों द्वारा प्रशिक्षण दिया गया। इस संबंध में CO लाइन सुमित शुक्ला ने बताया कि समाज में महिलाओं और बालिकाओं के प्रति बढ़ रहे अपराध पर अंकुश लगाने और आम जनमानस में सुरक्षा का एहसास कराने के लिए शेरनी दस्ते का गठन किया गया है। इस दौरान शेरनी दस्ता ट्रेनिंग कमांडर इंस्पेक्टर संतोष यादव सहित बांसगांव सर्किल क्षेत्र के बेलीपार, गगहा और बांसगांव थाने से शेरनी दस्ते में शामिल महिला कांस्टेबल मौजूद रही। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए CO कैंट सुमित शुक्ला ने कहा, अच्छा मान लीजिए कोई अश्लील हरकत कर रहा है तो आप क्या करेंगे? कोई लड़की है जा रही है, विद्यालय जा रही है और एक लड़का उसके पीछे पीछे अश्लील हरकत करता हुआ जा रहा है, अगर वो नाबालिग है सर तो उसको लेके आएंगे, नाबालिग है तो उसको थाने लाएंगे और हिदायत दिया जाएगा, उसके माँ बाप को बुलवा के बताया जाएगा, एक बार उसके बाद छोड़ दिया जाएगा। किस आधार पर थाने लाएंगी? कौन सा अपराध उसने किया? अभी क्या है शेरनी दस्ता हीरो मोटर कार ग्रुप जो है दुनिया की टू व्हीलर कंपनी है सबसे बड़ी। लगभग एक माह पहले माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे और 100 स्कूटी गोरखपुर को उन्होंने दिया, तो ये देखा गया कि पहले इसमें जब शेरनी दस्ते में जिसको सम्मिलित किया जा रहा है उसको पहले ये जानकारी तो दे दिया जाए कि उसका कर्तव्य क्या है, दायित्व क्या है, उसको क्या करना है। तो ऐसे स्थान पर ऐसे मौकों पर आपकी जरूरत पड़ती है, जैसे एक लड़की जा रही हो, विद्यालय जा रही हो, तो कोई लड़का उसी के साथ पढ़ने वाला हो, वो क्या करता है, बहुत ज़्यादा जब लगाव हो जाता है तो लड़की का घर जहाँ रहता है वो 15 मिनट पहले आके खड़ा हो जाता है कि लड़की 9 बजे निकलेगी अपने घर से और उसके पीछे पीछे चलता है। उसके बाद वो लड़की चाहे बाइक से जाएगी, चाहे स्कूटी से जाएगी या साइकिल से जाएगी या पैदल जाएगी, तो उसी के पीछे पीछे अपना गाड़ी या पैदल वो भी चल लेता है और धीरे धीरे अपना उल्टा सीधा एक एक बात कहता रहता है। वो लड़की से कुछ नहीं बोलेगा लेकिन जाता रहता है, लौटते समय फिर वो आता है, बोलेगा कुछ नहीं। तो ये लड़की का पीछा कर रहा है कि नहीं कर रहा है? किसी लड़की का या महिला का लगातार पीछा करना वो छेड़खानी की दृष्टि से आता है, वो छेड़खानी हुई और इसमें होगा IPC की धारा लागू होगी 354D। ठीक है, अब आप उस लड़के को रोक लिए, वो लगातार पीछा कर रहा है, उस लड़के को रोकिए, क्या नाम आपका, तो बताएगा क्यों इस लड़की के पीछे आप चल रहे हो, तो तुरंत आपको कहेगा मैडम हम कहाँ चल रहे हैं, हम तो पीछे पीछे जा रहे हैं, तो उनसे क्या लेना देना हमारा, पहले टाइम पड़ेगा। वो तो कहे आप कहिए आप जानते हैं हम क्या हैं, शेरनी दस्ते संबंधित हैं, हम जान रहे हैं आप क्या कर रहे हैं, जो आपका कृत्य है, जो आपका कार्य है वो छेड़खानी के अंतर्गत आता है और इसमें IPC की धारा 354D लगेगी और इसमें सजा है 1 वर्ष से लेकर 5 वर्ष तक। तब उसके दिमाग में आएगा कि नहीं आएगा, ये सब जानती हैं और दिक्कत हो जाएगा, हमको थाने चलना पड़ेगा, हवालात की विषय करना पड़ जाएगा अगर हम इस तरीके, तो वो जरूर पीछे मुड़ जाएगा या अपनी गलती स्वीकार करेगा या उसी दिन अगर नहीं समझ में उसको आया तो आगे की कार्रवाई है या आपसे और कोई अवक्ता करने लगा तो आप संबंधित थाने जैसे महोदय सूचित करिए अपने कि सर ऐसी सी बात है, लड़का लगातार पीछा कर रहा है और हम मना कर रहे हैं, नहीं मान रहा है, कमीशन जाए इसको, तुरंत फोर्स आ जाएगी, एंटी रोमियो आ जाएगी, महिला प्रासंगिक कोई घटना हो रही हो तो तुरंत थानाध्यक्ष महोदय पहुँच जाएंगे। लेकिन जब आपको धाराओं का ज्ञान होगा उस घटना से संबंधित कौन सी धारा लगेगी कर सकते हैं। यह तरीका चौराहे पे जब भी कहीं पर भी रोके तो व्यक्तिगत गाड़ियों को निकाल दे, उसके बाद लोडर से, ऑटो से या जो भी पिकअप टाइप की वाहन होते हैं उनसे गाड़ी को रोको, वो क्योंकि जानते हैं पुलिस से कैसे, पुलिस के सामने हमें कुछ बोलना नहीं वरना हमारा नुकसान 4-5 हज़ार का हो जाता है। ये सबसे महत्वपूर्ण है, अक्सर ये होता है मोटरसाइकिल वाले और पहले रोक देते हैं, हम अगर मौका है तो उनको निकाल दीजिए साइड से, अगर पता गश्ती आ जाती है जैसे आपके स्वास्थ्य बहुत असर आता है। 8 घंटे की ड्यूटी में पचल का आप सुधार होते हैं, मेरे चलेगा
तो ये कंटिन्यू चलता रहता था, तो आपको आदत में डालना है कि आपको बिल्कुल कूल माइंड रहना, कोई गलत थोड़ा खड़ा हो गया तो उसको निकाल दिया भाई क्यों बैठे, आपको रास्ता देना, उसको उलझना नहीं है चौराहे पर, आप एक से उलझेंगे, दो से उलझेंगे, तीन से उलझेंगे, आप एक एक उलझेंगे पूरे दिन भर, आप ड्यूटी रोज नहीं कर पाएंगे। दूसरी चीज क्या है कि इसमें VIP निकलते हैं आपको चौराहे से, तो आपको हमेशा सेट पर नजर रखनी है, भाई तो आपको मान लिया ये हुआ कि इको 5 आज यहाँ से वहाँ जाएंगे तो आपको पता नहीं इको 5 कौन है, एक सर सुनता हूँ, इको 5 कोई भी हो सकते हैं, किसी भी लेवल के अधिकारी हो सकते हैं, हमारे VIP हो सकते हैं, मतलब जो हम लोग नंबर देते हैं पर डे के हिसाब से यहाँ पर VIP को नंबर अलॉट होता है, जो VIP शहर में एंट्री करता है जिसको आना है, तो जो भी नंबर इको 5 इको 3 ये VIP का नंबर है हमारे शहर में आने वाले जो भी VIP। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा ये जो हमारे स्कूटी हीरो मोटोकार्ड से हमको प्राप्त हुई थी CSR फंड के तहत में, इसमें प्रत्येक सर्किल की 3-3 दिन की ट्रेनिंग की गई, जिसमें सिटी क्षेत्र की और कुछ ग्रामीण क्षेत्रों की ट्रेनिंग हो चुकी है, इस समय बांसगांव सर्किल की ट्रेनिंग चल रही है, प्रत्येक शहर में 4-4 स्कूटी और ग्रामीण क्षेत्रों में 2-2 स्कूटी का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है, उन स्कूटियों पर जो महिलाएँ चलेंगी उनको एक ट्रेनिंग दी जा रही है, उनको सामान्य नियम कानून, इसके अलावा वायरलेस सेट चलाना एवं अन्य प्रकार की कुछ सेल्फ डिफेंस की भी ट्रेनिंग दी जा रही है, उसी संबंध में इसमें बांसगांव सर्किल ट्रेनिंग चल रही है, उसके पश्चात एक आध सर्किल और बची हैं उनका ट्रेनिंग दे दी जाएगी, भी समस्त जितनी स्कूटी हमको प्राप्त हुई हैं ये आपको गोरखपुर जनपद की भिंड रोडों पे दिखाई पड़ेंगी।